अगर नशा ही करना है तो मेहनत की करो यारो, अगर नशा ही करना है तो मेहनत की करो यारो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही मिलेगी। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो सबसे पहले अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डाले गए डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देखिए। आज मैं आप लोगों को कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की क्रॉस सेक्शनल व्यू और उसकी बैक एलिवेशन बताऊंगा, जिधर से एम्बैकमेंट की गई होती है, जिधर से अर्थ फिलिंग होती है, उसका सेक्शन कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं इसमें डाटा क्या क्या गिवन रहती है। तो सबसे पहले इसकी जो डाटा है दे रखी है, टॉप विथ ऑफ स्टेम, जो ये है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम स्टेम बोलते हैं, इसे हम टॉय बोलते हैं, इसके इधर और इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक हील बोलते हैं। तो जो स्टेम है, स्टेम की जो टॉप की विथ है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, जो बॉटम विथ है स्टेम की वो है आपकी 50 सेंटीमीटर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो आपकी है 50 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ टॉय, जो टॉय है उसकी थिकनेस दे रखी है एंड हील 30 सेंटीमीटर, हील ए है और टॉय ए है, इसकी थिकनेस आपकी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट ऑफ स्टेम ओवर दी बेस स्लैब, जो ये बेस स्लैब है यहाँ से इसकी ऊपर तक जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर, जो यहाँ पे लिखा हूँ 300, क्योंकि 300 इसलिए लिखा हूँ, ऑल डाइमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, ठीक है गाइस, उतना दे रखा है। उसके बाद से है टॉय लेंथ कितना है, 0.8 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपकी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट में मीटर में है। और उसके बाद दे रखा है हील लेंथ 1.7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वह 170 सेंटीमीटर। विथ ऑफ बेस स्लैब दे रखा है आपका 3 मीटर, जो बेस स्लैब है देखिए यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बेस स्लैब है जिसपे स्टेम आकर रुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है वो दे रखी है आपकी 3 मीटर, यानी 300 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी डाटा की भिन्न है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में इसकी रेनफोर्समेंट के बारे में दे दी गई होती है कि इसमें जो सरिया लगाई गई है वो टेम्परेचर बार कितना है, मेन बार कितना है, कितने पे कटेड है, कभी कभी नहीं दी गई होती है। तो हमने क्या किया है जानते हैं आप लोग, मैं जो भी ड्राइंग बताता हूँ वो सब स्टैंडर्ड मानक पे बताता हूँ, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें दी नहीं गई है तो क्या क्या कैसे इसे बनाने हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए जो स्टेम की विथ दी गई है वो टॉप की वो है 25 सेंटीमीटर, तो स्केल हम जो लेते हैं वो 1:20 लेते हैं। जब 1:20 पे जब 25 को चेंज करेंगे तो वो आपका आएगा 1.25 सेंटीमीटर, यानी 12.5 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12.5 mm एमडी से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, वो है 300 सेंटीमीटर। जब 1:20 के स्केल पे चेंज करेंगे, मैंने चेंज करके रखा है, वो आएगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ पाएंगे 15 सेंटीमीटर। बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आना है, तो वो आपकी दे रखी है टॉर लेंथ कितनी है 80, यहाँ पे लिखे ना 80 सेंटीमीटर, जब आप इसको चेंज करेंगे स्केल पे तो यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाना है, तो 170 को 1:20 के स्केल पे अगर आप चेंज करेंगे तो मैंने निकाला है 170 को शायद हमने नहीं निकाले, फिर निकाल रहा हूँ 170/20 आ रहा 8.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.5 ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक कितना आएंगे, तो 30 सेंटीमीटर है, जब स्केल पे चेंज करेंगे तो वो आपका आएगा 30/20 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5। अब यहाँ पे देखिए ऑफसेट यानी खस्ता गया है आगे 15 सेंटीमीटर की, जब इसी आप स्केल पे चेंज करेंगे तो वो आपकी आएगी 15 सेंटीमीटर 0.75, यानी 7.5 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 mm आएगी। और यहाँ से लेकर इधर नीचे स्केल पे कितनी आएगी, चूंकि इसकी थिकनेस जो है जो बेड कंक्रीट है उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ स्केल पे आएगी आपकी 5 mm आएगी, यानी 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। ये आगे जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाए, सेम वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। इसको बनाने के बाद यहाँ जो खसका है, खसका वाली लाइन को यहाँ मिला देंगे पूरी,
इसे मिला लेने के बाद ये नीचे को भी मिला देंगे, जो यहाँ से लेकर ये जो है ये बेड कंक्रीट है, इसमें आप लिख देंगे 1:4:8 की कंक्रीटिंग की गई है, जो ये होता है M7.5 की ग्रेड होती है। और इसकी जो डायमेंशन है वो लिख लेंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिल की लेंथ है 170 है, और यहाँ से लेकर जो गज का है 15 सेंटीमीटर का है, और ये 80 सेंटीमीटर का है, और ये 15 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एड करेंगे 170 और 80 और 50 तो आएगा 300, इतनी सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपने ये लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिए, अब इसमें आपको क्या करने हैं, बार को प्रोवाइड करने हैं। तो किस प्रकार आप बार प्रोवाइड करेंगे तो बात करते हैं। देखिए जनरली इसकी जो एंड कवर होती है और क्लियर कवर होती है, क्या एंड कवर या क्लियर कवर, तो आप जनरली लेते हैं 50 से लेकर 50-75 तक लेते हैं, तो हमने इसमें 50 प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो अगर आप 50 प्रोवाइड करेंगे तो स्केल पे लेंगे 50 mm, ये कितने में होती है, mm में होती है। अगर आप 50 प्रोवाइड करेंगे स्केल पे लेंगे तो 2.5 mm आएगा, तो ऊपर से 2.5 mm और साइड से 2.5 mm पे एक मार्का लगाएंगे और इस बार को ड्रॉ कर देंगे। अब एक और बात ये आ रही है, आप तो यहाँ यहाँ ये ड्रॉ कर लिए, इसको मिला लिए, हाँ अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक देखिए थोड़ा तिरियक है, क्यों है, क्योंकि ये तो वर्टिकल आई है, यहाँ 25 है और यहाँ पे 50 हुई है, तो एक तरफ एक तिरियक ही मिलेगा। तो आपने इस बार को यहाँ तक ड्रॉ कर ली, केवल यहाँ तक, इसके नीचे वर्टिकल आएगी नीचे। अब इस बार को ड्रॉ करने के लिए, टेम्परेचर बार को ड्रॉ करने के लिए, जो 16 mm डाया की है एट द रेट 300 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे, बोथ वे इसलिए कहा गया है, जो ऐसे वर्टिकल रहेगी, वर्टिकल के बाद से आपका क्या रहेगा, ऐसे भी बार रहेंगे, तो ये वर्टिकल और इस बार दोनों को हम टेम्परेचर बार ही करेंगे, क्योंकि ये अर्थ फिलिंग की तरफ नहीं है, किनारे हैं, इसीलिए तो आप ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर साइड 2.5 mm सॉरी ऊपर से 2.5 mm और इधर साइड से 2.5 mm पे एक पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ तक मिला देंगे, यहीं तक अभी मिलाएंगे, ये हो गई। उसके बाद से आप नीचे की जो है इस बार को लगाएंगे, इस बार का नाम क्या है, आप ऐसे भी सिंबल दे सकते हैं, तीर लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस बार का नाम है आपका 16 mm डाया की है, मेन बार है एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो अब इस बार को कैसे लगाएंगे, अगर आप इसको वर्टिकल यहाँ तक देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ पर की गई है ना, इस बार को लगाई गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 16 फाई लगाई गई है, 16 फाई यानी फाई क्या है, इस मेन बार की डाया है 16 × 16 करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं वो आया है 256, 256 को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 12.8 mm आएगा, कितना 12.8, तो जो यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई होगी इसके नीचे, यहाँ से 12.8 mm यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और सेम ऐसे ही इसके साइड से 2.5 mm पे एक पॉइंट, नीचे से 2.5 mm, नीचे से 2.5 mm, और इस बार को आप मेन बार को ड्रॉ कर देंगे। जैसे इस मेन बार को ड्रॉ किए और साइड में आप क्या करेंगे 90 के ऊपर साइड में एक क्या करेंगे बेंड कर देंगे थोड़ा सा, हुक जैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं यही ऊपर वाली बार, ये भी मेन बार है, इसको कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, यहाँ से 2.5 mm ऊपर से 2.5 mm पे यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे कितना पे आ जाएंगे, जो 16 फाई है लगभग कितना आया था आपको मैं बताया था 12.8 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12.8 mm पे एक मार्क लगाएंगे और ऊपर से 2.5 mm पर और इसको ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को आपने ड्रॉ कर ली। इसके ऊपर अब इस बार को आप प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी कौन सी बार है, तो आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, 12 mm फाई की है एट द रेट 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो सबसे पहले आप किनारे पे एक बार लगा देंगे, उसके बाद इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, तो 30 सेंटीमीटर रहेगी, स्केल पे आएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएंगे आप 1.5 सेंटीमीटर पर। अब इसे देख लेंगे क्या 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर 2 सेंटीमीटर पे है तो 1-1 सेंटीमीटर पे बार लगा देंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे बार लगाएंगे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है सेम वैसे ही यहाँ भी बार लगा देंगे। अब इतनी हो गई, अब इस बार को जो ऊपर से आई थी मेन बार और टेम्परेचर बार यहाँ तक, अब इसको वर्टिकली लंबवत
आप यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक लाने के बाद इसके ऊपर जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार डाले हैं इसे यहाँ से मोड़ेंगे और इस बार को मोड़कर जो इधर जाएगा और इधर हुक देंगे और इधर वाले का जो इधर से टेम्परेचर बार आया है उसको इस डायरेक्शन में ले जाकर इधर हुक देंगे। अब आप ये दे दिए, अब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार लगानी है इस मेन बार के ऊपर और ये तो दोनों चूंकि टेम्परेचर बार ही है तो 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है तो सबसे ऊपर एक बार लगाएंगे उसके बाद उसके नीचे 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बार ऐसे करते करते जब नीचे आएंगे यहाँ तक तो फिर आपको एडजस्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब आते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm फाई की है 25 C/C सेंटर टू सेंटर 25 को जब आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर आएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.25 पे फिर यहाँ से यहाँ 1.25 पे लगाते जाएंगे फिर यहाँ पे आएंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm फाई एट द रेट 25 सेंटर टू सेंटर। आप 16 mm को भी आप कर सकते हैं स्केल पे चेंज, आप इसलिए नहीं करते हैं पॉइंट ही देना है ना इसमें ये बात आती है कि कितनी छोटी पॉइंट दे कितना बड़ा पॉइंट दे, जैसे यहाँ पे था 12 mm तो इसको और छोटा सा इससे थोड़ा गाढ़ा सा तो इतना नहीं देखी जाती है, लगभग सब पॉइंट वाले सेम ही होते हैं। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब बात करते हैं यहां तक, देखिए यहां से लेकर यहां तक मेन बार ही गई है फिर यहाँ पे कर्टेड है, यहाँ पे क्या है कर्टेड है, जैसे मेन बार 22 mm डाया की है एट द रेट 22 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर 1/2 ऑफ बार्स आर कर्टेड 3/4 हाइट ऑफ स्टेम, इस पूरे हाइट की स्टेम के 3/4 पे इस बार का क्या है कर्टेड है, मतलब अगर नीचे से चार बार गई है तो चार बार नीचे से अगर गई है तो आधी बार तो यहीं कट गई है, यहाँ पे दे रखा है कितना कर्टेड है 1/2 बार यहाँ तक कर्टेड है, चार बार में 2 बार यहाँ है और इस 2 बार में से 1 बार यहां तक गई है ठीक है और 1 बार ऊपर तक गई है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इन 4 बार है ना 1, 2, 3, 4 तो 1 बार ऊपर 1 बार यहाँ तक 2 बार यहाँ तक ऐसे यहाँ पे सिस्टम लगी है। वैसे सेम यहाँ भी कर्टेड है तो इस कर्टेड को फिर दिखाया गया है मेन बार 22 mm डाया एट द रेट 11 सेंटीमीटर ऑफ बार आर कटेड एट मिड हाइट ऑफ स्टेम, जो हाइट ऑफ स्टेम है उसकी मिड पॉइंट से आगे पर से इसको कटेड की गई है। आप तीर से भी दिखा सकते हैं इसको या आप ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हैं, देखिए इसे यहाँ भी क्रॉस किए गए ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब आपने बार भी प्रोवाइड कर लिए और ये आप नामकरण भी कर लेंगे और इसके नीचे लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल और उसके नीचे लिख देंगे ऑल डाइमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, क्या है जितनी भी डाइमेंशंस हम नहीं लिखे हैं जैसे 44 है ये क्या है सेंटीमीटर है 44 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर ठीक है ये आपने लिख लिए। अब देखिए एक बात और इसमें बहुत आपको जानने वाली बात क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात एक हमने लिखी है कि जो मेन बार है ये 44 है पूरी ऊपर तक गई है और इसके हाफ 3/4 पे कटेड होगी सेंटर टू सेंटर 44 तो यहाँ पे है 22 इसके हाफ पे जो मिड पॉइंट पे कटी है वो 11 है ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जब साइड में जाते हैं ना साइड एलिवेशन जो इसका बनाते हैं बैक एलिवेशन और यहाँ पे इसे ऐसे करके एम्बैकमेंट लिख देंगे एम्बैकमेंट जो इधर जाते हैं वहां पे बहुत इसकी जो है वो यूजेज वहां पे मिलते हैं। तो आइए अब इसको जो बैक एलिवेशन कैसे बनता है आप सीधी सी बात करते हैं मिनी ड्राफ्टर से ऊपर लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे और निचली लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो स्लैब की साइड की लास्ट पॉइंट बताएगी और यहाँ से कुछ दूरी आगे जाकर कुछ दूरी आगे क्योंकि पता ना कहाँ तक वो रिटेनिंग वॉल बनी है तो ब्रेक लाइन आप दे देंगे, यहाँ पे कर्टेड है वहां से प्रोजेक्शन लाइन है ड्रॉ कर लेंगे 150 पे कर्टेड है एक बार और कर्टेड है 3/4 पर जो 225 आएगी इसे भी आप ड्रॉ कर लेंगे, क्या मतलब प्रोजेक्शन लाइन से ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर ड्रॉ हो ही गई। अब इसमें इस मेन बार को प्रोवाइड करेंगे एक मेन बार यहाँ पे लगाएंगे कितना लगाएंगे तो यहाँ से आपकी कितनी है 50 चूंकि हमें बोला था 50 ये भी तो इधर वाले डिस्ट्रीब्यूशन बार तो यहाँ तक आई है ना
तो ये है 2.5 mm, तो इसे आप पहली बार को 5 mm पे लगा देंगे। यहाँ पे 5 mm पे पहली मेन बार लगी, दूसरी यहाँ पे लगेगी। देखिए मेन बार पहली यहां तक लगा दिए, उसके बाद पूरी ऊपर तक गई है ना, ऊपर से कितना 2.5 mm पे लगा दिए। और फिर इसके बाद ये लगाने के बाद इस बार को लगाएंगे, क्योंकि जो मेन बार है ऊपर तक गई है, कितनी है 44 CYC। जब 44 CYC को स्केल पे चेंज करेंगे तो वो आपका आएगा 2.2 cm। तो यहां से लेकर यहां तक 2.2 cm पर इस बार को लगा देंगे, फिर यहां से लेकर यहां तक इसको 2.2 cm पर इसको लगा देंगे। फिर इसके बाद आगे आया ही नहीं है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बीच में इस बार और ए बार जो मेन बार ऊपर तक गई है, इन दोनों के बीच में 3x4 कटेड वाली बार लगाएंगे, जो यहाँ तक प्रोजेक्शन लाइन इसकी ये वहां तक ये बार जाएगी। फिर इन दोनों के मध्य में इस बार को 3x4 वाली को लगाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में इसे आप लगा देंगे, चूंकि ये आगे तक आ गई है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस कटेड वाली बार और यहाँ मेन बार जो पूरी ऊपर तक गई है और 3x4 तक गई है, इसके मध्य में एक मिड कटेड वाली बार को लगाएंगे, जो यहाँ तक इसकी प्रोजेक्शन आई है, सेम वैसे इसके मध्य में वो मिड कटेड वाली बार को लगा देंगे और इसे बना लेंगे। अब फिर यहाँ पे वही चीज है, इसे अगर यहाँ पे इसके साइड में इसे नहीं बनाए होते, कहीं और बनाए होते, तो ये सब चीजें फिर लिखनी पड़ती, क्योंकि जो ये है ना, ये वही है मेन बार 22 mm 5 at the rate 44 cm सेंटर टू सेंटर, फिर वही बार है ना, क्योंकि आप उधर से जाकर देख रहे हैं, इसी का उधर से जाकर देख रहे हैं, तो इसकी साइड दिखा रही है, साइड फेस पे ऐसे बार का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्योंकि ए जो ए मेन बार है तो ऐसे खड़े खड़े दिखाई देगी, और इस पे क्या है, ऐसे लेटी हुई दिखाई देगी डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई देगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो 25 cm सेंटर टू सेंटर है ना, लगभग 1.25 cm आएगा, तो बहुत लोग करते क्या है, यहाँ से 1.22 cm पे लगा देते हैं स्केल पे चेंज करके, लेकिन आपको नहीं करना है, करेंगे तो कोई उतना गलत नहीं है, एक माइनर सा अंतर आ जाएगा, माइनर सा मिस्टेक, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक रहेगा। हमारा कहना माने तो MD से क्या करें, जितने डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे लगी है ना, इनका प्रोजेक्शन इस पे ले लें, प्रोजेक्शन लेने के बाद जैसे मान लीजिए इसका हम प्रोजेक्शन यहाँ पे लिए, ये प्रोजेक्शन लेने के बाद इसको ड्रॉ कर दीजिए, कोई स्केल की जरूरत नहीं, चूंकि ये क्या है, स्लोप में है, स्लोप में है, जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे ना तो माइनर डिफरेंट आ जाएगा, आप लोग क्या करते हैं स्केल पे बना देते हैं, वो भी सही है, बट ये थोड़ा माइनर डिफरेंट देखी जाती है। तो ये आपका रहा बैक एलिवेशन ऑफ ए स्टेम ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। अगर आप इतना इसको समझने में कोई भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्द ही आप लोगों के PTE बोर्ड के जो एग्जाम है उसकी कोर्स को कंप्लीट करें, ताकि आप भी अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे से नंबर गेन कर सके। मोटिवेशनल क्विज की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए एक मोटिवेशनल क्विज है, देखिए नहीं सुनिए, सॉरी, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है।